चलिए आरके माय मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? हमको आशा है से आप लोग अच्छे ही होंगे। बस अर्थे हम लोग आगे की बात करते हैं। हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का आज एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो निश्चित तौर पर 2024 के लिए आपका 5 नंबर गारंटी के साथ आने का पूरा 99% चांसेज है। तो इस मैथ को इतनी बारीकी से देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि हमको समझ में आ जाए, और उससे आपको अलग इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, जो पाइथागोरस ने आपको सिद्ध करके बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वह कहाँ से आया, क्यों आया, इस चीजों को लेकर विद्यार्थी काफी दिनों से, मतलब ये जब भी त्रिकोणमिति बनाते थे तो इसके लिए काफी, मतलब हमेशा स्पंजन में पढ़ते थे, सर सीध करके सूत्र को नहीं बताते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, मैथ बनाना शुरू कर देते हैं। तब वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कहाँ से आता है, आपको ज्यामिति से आया हुआ है और त्रिकोणमिति में इसका लागू होता है। तो चलिए आज हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छा तरह से समझ लेंगे। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है, ये आपका त्रिभुज जो दिया हुआ ए बी सी, जिसमें आपका बी क्या है 90 डिग्री का है, और समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। तो क्या कह रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब ये कर्ण जो है एसी है, एसी का स्क्वायर क्या है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। किसने कहे थे, पाइथागोरस, ठीक ना। तो सबसे पहले ये पाइथागोरस प्रमेय आपको हर हाल में याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपको 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो समझ जाइए इसमें आपका 7 नंबर बैठा हुआ है, ऐसे तो देखा जाए तो 10 नंबर तक ले भी आ सकता है, क्योंकि अगर सूत्र को पूछ दिया जाए तो वो भी आपका 1 नंबर हो जाता है, 2 नंबर इसका, जैसे कर्ण का स्क्वायर अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसको याद रखिएगा, तो 2 नंबर इसमें आ गया। और इसका प्रश्न पूछा जाएगा, इसको डील कर देते हैं तो मेरा 5 नंबर अर्जित हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर किस त्रिभुजों में, एक समकोण त्रिभुज है जो ए बी सी बी बिंदु समकोण त्रिभुज है, और रचना की बात किया जाए तो रचना जो है बी डी जो है किस भुजा पर आपका आधारित है, एसी पर, तो यही बी डी लंब क्या होता है, एसी होता है। अब उत्पत्ति से हम लोग चलते हैं, मैं कहाँ से उत्पत्ति हुई है, तो सबसे पहले उत्पत्ति किस में हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें एक रचना के हिसाब से 2 त्रिभुजों के मेरी रचना हुई, यही मेरा उत्पत्ति है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, से सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे ऊपर वाले, और 90 डिग्री के हमेशा बीच में रखना है। तो ऊपर वाले त्रिभुज में हम जब चलेंगे वो त्रिभुज क्या होगा, ए डी बी होगा, क्योंकि यहाँ पर जब लंब डलाया तो यहाँ पर समकोणिक बनाया, तो ए डी बी में चलेंगे और फिर से हम लोग पूरा त्रिभुज में चलेंगे। पूरा त्रिभुज में क्या है मेरा, ए बी सी, एक बार इसमें आप लोगों को चलना है। और दूसरी बात जो है, जहां पर हम लोग लास्ट कर रहे हैं जैसे ए डी बी, तो दूसरी बार जब हम लोग चलेंगे तो बी डी सी में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से लेके ऐसे उतरना है तो फिर इसी तरह के चढ़ के फिर नीचे वाले उतर जाना, अगर ये आपको दिमाग में रहेगा तो निश्चित तौर पर आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी में समरूप त्रिभुज, समरूप कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री आपका बी है और इस त्रिभुज में आपका डी है, पहला तो ये हुआ। और दूसरे हिसाब से हम लोग चलते हैं, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में दोनों त्रिभुजों में आपका ए शामिल है, तो जब ए शामिल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब दोनों में शामिल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कौन से है कि नहीं, उभयनिष्ठ कौन से, हाँ उभयनिष्ठ कौन से हम लोग कहते हैं। तो त्रिभुज ए डी बी हो गया,
और अब इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिएगा, छोटे त्रिभुज में जब चलेंगे तो बी डी समकोण है, और बड़े त्रिभुज में आपका बी समकोण है। ध्यान दीजिएगा, छोटे त्रिभुज में पहले चलना है ए डी बी, अब इसके बाद में हम जब दूसरा त्रिभुज के बात होगा तो बी को हमने समाप्त किया, तो फिर बी से हम लोग ऊपर चढ़ के फिर नीचे के उतर जाएंगे और फिर चलेंगे फिर ए बी सी में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक ट्रिक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे मैं इसका जो है फर्स्ट सेकेंड बाटा होगा इसका फर्स्ट सेकेंड, अब आप लोगों को बताया जाए से परमेय जो है 6 3 6 4 6 5 में आपने देखा होगा से जब भी त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये जब त्रिभुज मेरा क्या हुआ, समरूप है, तो इसका भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहां पर आपका AD बटा हो जाता है AB, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक दूसरा लगा रहे हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट बटा फर्स्ट इंटू लास्ट। तो इसमें फर्स्ट क्या है, ए है, और यह क्या है, बी है। तो यहां पर हो जाएगा ए बी, अब बटा इसमें क्या है, ए सी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी हमको गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो मेरा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो जात नहीं है तो इसको क्या करेंगे, गुना के रूप में ही लिख दिया जाएगा, इसको समीकरण वन मानेंगे। फिर पुनः जो है, पुनः फिर पुनः हम लोग चलेंगे क्या, हम बताए हैं ना ए डी बी छोटा त्रिभुज में, फिर हम लोग क्या करें, फिर निचले वाले छोटा त्रिभुज में चल रहे हैं, तो बी पर मेरा समाप्त हो रहा है तो बी से स्टार्ट करके सी पर जाएंगे, तो मेरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी डी सी, असमरूप त्रिभुज फिर से क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब इसमें आपको ध्यान देना है से, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें जो है देखिए मैं फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट इंटू लास्ट, और इसमें आपको ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे मतलब ट्रिक होना चाहिए जो इसमें तीछा तीछे गुना करने पर स्क्वायर आ सके। तो अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, इसमें क्या होगा बी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा ए सी, और इसमें हो जाएगा डी सी, तो इसमें क्या हो जाएगा बी सी। क्या हो रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, बी सी बटा इसका क्या हो जाएगा ए सी, बराबर यहां पर क्या हो जाएगा डी सी, और इसमें क्या हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई। चलिए बी सी का स्क्वायर हो गया, अब इसको तीछा तीछे हम लोग गुना करेंगे ए सी गुने डी सी, समीकरण क्या हो जाएगा टू। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये समीकरण टू और समीकरण वन, तो हमको क्या करना है, इसके बराबर लाना है। तो यहां पर हम क्या दिमाग से सोच रहे हैं, सोच सकते हैं ए बी स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर है, ये यहाँ पर बी सी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर, तो हमको क्या लाना है ए सी स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे सो मेरे उसके बराबर आ जाएगा, समीकरण वन और समीकरण टू को जोड़ेंगे तब, ठीक है। सबसे इजी आपका है, यहां पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण वन प्लस टू से, समीकरण वन मेरा क्या है ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का, ए डी गुने ए सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, समीकरण वन हो गया तो समीकरण टू इसमें लिखाएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण वन प्लस टू हो गया। तो समीकरण वन में आपका जो है बाएं साइड में, बाएं साइड के पहले जोड़ दो तब दाहिने साइड के जोड़ना है, तब बाया में क्या है ए बी का स्क्वायर, इसका बाया में क्या है बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके दाहिना में क्या है ए डी गुने ए सी, और इसके दाहिना में क्या है ए सी गुने डी सी,
चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये तो जैसे के तैसे उतरते आ जाएगा। अब इसमें देखिए से दोनों में कौन ऐसे संख्या जो है क्या है जो दोनों में आपको मिलता है। तो एसी है तो एसी हम बाहर निकाल दिए, तो बच गया क्या एडी प्लस डीसी चाहे सीडी हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, एसी का एसी हो गया गुने, गुना के रूप में है। अब यहां पर ध्यान दीजिए एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, एसी लिख सकते हैं, लिखा सकता है ना। देखिए चार प्लस चार बराबर आठ, तो एडी प्लस डीसी बराबर एसी, तो यहां पर हो जाएगा आपका एसी। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा एसी का स्क्वायर। तो यही तो हमको सिद्ध करना था, ए बी के स्क्वायर बी सी के स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, पी आर ओ वी ई डी आपको यहाँ पर सिद्ध हुआ। हमको आशा है कि सब कोई को इसको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा, अगर ना भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। निश्चित तौर पर इससे भी बेहतर आपको बनाकर, इससे भी सरल तरीका में बनाकर बताया जाएगा। तो इतना ही कहकर हम अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।